दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज की इस वीडियो में क्लास 10 तक से 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 हमें दिया है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। यहाँ पे मैं क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक एरोप्लेन है जो क्या करता है, एयरपोर्ट को लीव करता है, यानी कि एयरपोर्ट से उड़ता है नॉर्थ की तरफ। तो हमें डायरेक्शन दिया था, सबसे पहले हम डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। हमें क्या बोला है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइंस भी कर लेते हैं, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। हमें क्या बोला है कि जो फर्स्ट एयरप्लेन है वो क्या होता है, नॉर्थ की तरफ उड़ता है, तो नॉर्थ यहाँ पे है, तो नॉर्थ की तरफ जाता है कितनी स्पीड से, स्पीड क्या होगी उसकी, 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट एयरप्लेन, जो हमारा फर्स्ट एरोप्लेन है उसकी स्पीड क्या होगी, वो हमें गिवन है क्या, 1000 किलोमीटर। हमें क्या बोला है कि वो नॉर्थ की तरफ उड़ता है और 1000 किलोमीटर पर आवर, हर एक घंटे में क्या कर रहा है, 1000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है। एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, उसी टाइम पे एक दूसरा एयरप्लेन भी उड़ता है, वो क्या करता है, सेम टाइम सेम एयरपोर्ट से, उसी एयरपोर्ट से उड़ता है और कहाँ जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारी वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे उड़ता है कितनी स्पीड से, 1200 किलोमीटर की स्पीड से। तो स्पीड जो हमें गिवन है वो लिखते चलेंगे, तो स्पीड ऑफ सेकेंड एयरप्लेन इज इक्वल टू क्या है, 1200 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला जो फर्स्ट प्लेन है वो नॉर्थ में जा रहा था, उसकी स्पीड क्या है, 1000 किलोमीटर है ना, और जो वेस्ट में जा रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। अब क्या होगा, हमें क्या बताना है, हाउ फार अपार्ट विल दे मीट विल द टू एरोप्लेन आफ्टर 1/2 आवर। तो यहाँ पे ये मिक्स डायरेक्शन है, इसे पहले तो हम सिंपल में चेंज करेंगे, 1/1, 1.5, तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 आवर्स, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें स्पीड दिया है और टाइम दिया है, तो हमें क्या करना है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 3/2 आवर्स, यानी कि कितनी दूर ये दोनों एरोप्लेन चले जाएंगे 3/2 आवर्स में। तो हमें क्या दे रहा है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी है दोनों एरोप्लेन्स की और टाइम भी दोनों का सेम है 3/2 आवर्स। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट एयरप्लेन, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एयरप्लेन है पहले हम उसका निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, स्पीड क्या है फर्स्ट एयरप्लेन की, 1000 × टाइम क्या दे रखा है हमें, टाइम दिया है हमें 3/2, देखो 3/2 आवर्स है तो 3/2। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 0, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 × 3, तो 500 × 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1500। तो ये क्या, डिस्टेंस क्या होता है किलोमीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल गया, और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस पहले एरोप्लेन का निकल गया 1500 किलोमीटर, सेकेंड एरोप्लेन का निकालेंगे, फॉर सेकेंड एयरप्लेन डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, स्पीड हमें क्या दे रखी है, स्पीड हमें दे रखी है सेकेंड एयरप्लेन की, और 1200 किलोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम क्या है, टाइम दोनों के लिए सेम है 3/2 आवर्स, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 600 जा, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 × 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18000 किलोमीटर। एक मिनट, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 क्यों आएगा, 2 0 है ना, तो 2 0 आएगा, सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ आ जाएगा 1500 किलोमीटर और यहाँ आ जाएगा 1800 किलोमीटर, तो ये आंसर आ गया। तो जो दोनों एयरप्लेन्स हैं उनका डिस्टेंस क्या कवर हुआ, पहले वाले एयरप्लेन का डिस्टेंस क्या है, पहले वाले फर्स्ट एयरप्लेन का डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर और सेकेंड वाले एयरप्लेन का डिस्टेंस है 1800 किलोमीटर।
तो हमें दोनों के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोले थे और वो हमने फाइंड कर दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।